सारे मुझे आदमी कोई कहना तुमको नफा पहुंचाना चाहे अल्लाह जैसा है नफा नहीं पहुंचा सकते जब कोई तुमको नुकसान पहुंचाना चाहे अल्लाह जैसा है नुकसान नहीं पहुंचा चलने वाली रात रास्ते में मेरे बुजुर्गों इबादत का इस्तेमाल करना है अपने मकान पर भी इबादतों का इस्तेमाल करना है तुम्हारे भगवान का इस्तेमाल होगा जो दीन की जिंदगी में आना चाहिए आसान होगा बकुल हमारे बुजुर्ग फरमाए करते थे दीन आसान है उन लोगों के लिए जो मेहनत के मैदान में चलेंगे और जी मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए जो मेहनत के मैदान में अल्लाह ने वो काम किया है कि आसमान की बरकतें भी उन आसमान से गिर जाएगी और जमीन की बरकतें भी गिर जाएगी ये ईमान लगाने की मेहनत है और जब ईमान बनेगा तो हमारे बच्चे को अपने यकीन को ठीक करें और तकवा वाली जिंदगी गुजारें विराट बोलने विराट बोलने हेलीकॉप्टर के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इल्म चाहिए है और इसी इल्म पर अमल के लिए ईमान की ताकत चाहिए क्या चाहिए ईमान की ताकत चाहिए वरना मालूम से आदमी नहीं चलता ज्यादा मत हिलाओ मालूम से आदमी नहीं चलता मालूम के बगैर वीडियो ज्यादा हिलाया नहीं जाता लेकिन मालूम के साथ ईमान की ताकत चाहिए कार्लस से देखो ये इस्लाम का रास्ता ईमान का रास्ता है मैं वो कार्लस से इन्हें कर मुंह में कर पूरी उम्मत अपनी जिम्मेदारी पर है पूरी उम्मत अपनी मेहनत पर खड़ी है इस मुबारक मेहनत के रास्ते से आसमान की बरकतें भी खींच कर आएंगी और जमीन की बरकतें भी खींच कर आएंगी के साथ इस मेहनत में कदम उठाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तीन आदमियों के लिए अल्लाह की जमानत है जब तक वो जिंदा रहेंगे।